ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का टॉपिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, फिगर देखते जाएं, ए बी वर्टिकल टावर, एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, ए को लेवल ग्राउंड पे ले लिया, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैंने ए बी की पूरी लेंथ एक्स मान ली, मिड पॉइंट है तो एक्स बाई टू और एक्स बाई टू लेंथ हो गई। देन अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इक्वल्स टू 2 ए बी, तो पी ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लिया गया, इसकी लेंथ का डबल है, तो अगर ये एक्स है तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 2x, राइट? तो एंगल बी पी सी बीटा दिया हुआ है, एंगल बी पी सी हैज बीन गिवन बीटा, राइट, हैज बीन गिवन बीटा, तो हमें टैन बीटा की वैल्यू निकालनी। तो इसे मैंने क्या किया, ये जो एंगल है सी पी ए इसको अल्फा मान लिया, एंगल सी पी अल्फा हो गया। नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल बी ए पी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी टैन अल्फा प्लस बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? So tan alpha plus beta is x upon 2x, that is 1 by 2, and the formula of tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. Keep it as a equation number 1. Also consider this triangle CAP, it's also a right angle triangle, perpendicular upon base x by 2 upon 2x will be tan alpha. So from here we'll get the value of tan alpha as 1 by 4. Now take this value of tan alpha and substitute in equation number 1, put in 1. सो अगर हम tan अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो ओनली वेरिएबल विल बी tan बीटा, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, आई हैव रिटन tan अल्फा की जगह 1 बाय 4 एंड सिंप्लीफाइड यू गेट द वैल्यू tan बीटा इज 2 बाय 9, चेक द ऑप्शंस करेक्टली, 2 बाय 9 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, कोई बहुत एक्सक्लूसिव सी कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिंपल कैलकुलेटिव है, एवरेज लेवल का मैं बोलूँगा, कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट पूछा गया है कि मैट्रिक्स का क्या होगा। अब एडिशन वगैरह की कोई ऐसे प्रॉपर्टीज होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ए स्क्वायर 3a² और 12a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज मैट्रिक्स ए विच हैज बीन गिवन, ए स्क्वायर हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, तो दोनों मैट्रिक्स लिख लिया ए इंटू ए, and while multiplying you will get the matrix a square as 16 minus 9 minus 12 and 13, these are the entities of this matrix. Then 3a², so 3 will get multiplied to every element of this matrix, so 3 multiply kar diya, 48 minus 27 minus 36 and 13 3 39, also you require answer pucha 12a bhi jodna hai, to 12a, so a matrix ko har element ko 12 se aur multiply kar denge, so you will get 24 minus 36 minus 48 12, add the two matrices 3a² plus 12a, on adding you'll get 72 minus 63 minus 84 and 51. Then you have to find the adjoint of this matrix. Adjoint is the matrix which is formed by taking, by finding the cofactor of the elements and then writing in transpose form. So for a 2x2 matrix hum kya chahte hain, directly kya kar sakte hain, jo diagonal entities hoti hain unko to interchange kar dein, aur jo off diagonal entities hain unka sign change kar dein, to hum directly agar ye karenge तो यू विल गेट द आंसर। नाउ फ्रॉम कंपेयरिंग द ऑप्शंस 51, 63, 84, 72, यू विल फाइंड इट इन करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, सो द करेक्ट आंसर इज 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा सीरीज और एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है ये इक्वेशन रीड करना अपने आप में थोड़ा सा टफ हो सकता है, कैसे हमने इसको ब्रेक किया, कैसे हमने इसे रीड किया हम देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी आर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स and which satisfy a given equation, then which of the following option is right, APGPHP जो भी दिया है APGP में क्या है, राइट? तो हमने ऐसे ऐसे ब्रेक किया, आई मल्टीप्लाई दिस 9 × 25a² प्लस 9b² कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ, ठीक है? एवरी एंटिटी इज टेकन ऑन वन साइड ऑफ इक्वालिटी, सो दिस बिकम्स 25c² माइनस 25 × 3ac माइनस 15 × 3ab माइनस 15b × c इक्वल्स टू 0, राइट? Now what I am doing is 9 is 3 ka whole square and 25 is 5 ka whole square. So 5 × 3 is 15. So this is 15a whole square, this is 3b whole square and this is 5c whole square. Now if I see this 25 × 3ac, right? 25 × 3 = 75, 15 × 5 = 75. So what I am doing, kyunki yahan 15a ka whole square aaya tha, to maine yahan se 15a nikala aur c tha to 5c tha, to 5c ko ek saath likh liya, theek hai? Aise aage jata ja raha hu, 15 × 3ab, I require 15a and 3b is already there, तो 15, तो 3 को b के साथ ले गया, 15a × 3b and 15bc, तो 15 b into c के लिए, right? तो 3b and 5c, तो 3b and 5c = 0. तो अगर आप इस पूरे expression को ध्यान से देखें,
अगर मैं इस वाली एंटिटी को x मानूं, इसको y मानूं और इसको z मानूं, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx equals to zero. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आप लोग जानते ही हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square equals to zero. Now, तीन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज का सम जीरो तभी होगा जब ये तीनों एंटिटीज इंडिविजुअली क्या होंगी, जीरो. तो इससे हमारे पास कंडीशन आ गई x equals to y equals to z. That means 15a is equal to 3b equals to 5c. Like से मैंने लैम्डा मान लिया तो इसे abc की वैल्यू आ गई. अब जैसे ही abc हमें पता पड़ा, अब आपको एक एक करके सभी ऑप्शन चेक करने. जैसे a में लिखा हुआ है b c n a r n g p, तो इसका मतलब gp में है, तो मिडिल टर्म इज c, तो क्या c square a into b के बराबर हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, वो उसके बराबर होगा. तो ऐसे आप जब जैसे ही चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन पर, उसमें लिखा हुआ है b c a r n a p, दैट मीन्स वी हैव टू चेक दैट 2c इज इक्वल टू a प्लस b हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो 2c विल बिकम 2 लैम्डा बाय 5 इज इक्वल टू a प्लस b, दैट इज लैम्डा बाय 15 प्लस लैम्डा बाय 3, राइट. जब आप ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 5 इटसेल्फ, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नो नीड टू चेक अदर ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ये 3D का एक क्वेश्चन है. आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 3, -7, उसका एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है. प्लेन के लिए क्या क्या दिया हुआ है, वो जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास होता है 1, -1, -1, और साथ ही साथ वो बोल रहा है हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स. उस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है. तो भाई अगर हम ऐसे सोचें कि दो लाइंस दे रखी हैं कोई सी भी, और प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब अगर मुझे लाइन के पैरेलल कोई दो वेक्टर पता है, लेट्स से n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, तो अगर मैं इनका क्रॉस कर दूं n1 क्रॉस n2, तो मुझे इन दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा. वही हम करना चाह रहे हैं. तो जो पहली लाइन है, पहली लाइन, उसके पैरेलल कोई डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, i कैप -2j कैप +3k कैप. तो मैंने वही लिख लिया, n1 इज 1, -2, -3 वेक्टर, एंड n2 सिमिलरली सेकंड लाइन, दैट इज 2, -1, -1. तो एक वेक्टर जो लाइन 2 के पैरेलल है, दैट इज 2, -1, -1. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, जो प्लेन का नॉर्मल है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, n1 क्रॉस n2. जो अभी हमें समझाना था, n1 क्रॉस n2, क्रॉस प्रोडक्ट करें, यू विल गेट अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, दैट इज 5i कैप +7j कैप +3k कैप. नाउ बिकॉज आई नो दी नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज 5x plus 7y plus 3z, these are the direction cosines of a vector normal to the plane, is equals to lambda, any variable lambda. Because the line plane passes through the point 1, -1, -1, तो ये point equation को satisfy करना चाहिए, है ना. तो हमने इस point को plane की equation में रखा और lambda निकाल लिया, lambda is -5. इससे हमारे पास क्या हुआ, plane की equation आ गई. बस अब तो सीधा सीधा करना है, आपको point already दे रखा है 1, 3, -7, उस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है. तो यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड गेट द सॉल्यूशन. योर आंसर विल बी 10/√83. ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में आपको ये मिलेगा करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, 10/√83.